आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली कि क्या हो सकता है इंडिया का प्रोबेबल लाइनअप जो कि होने वाला है अगेंस्ट मंगोलिया इन इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंडिया खेलने वाली है पहला मैच हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि होने वाला है भुवनेश्वर में अगेंस्ट मंगोलिया। मैच शुरू होने वाली है शाम के 7:30 बजे से और आप सभी को मैच कहां दिखाने जाने वाला है उन सभी के बारे में हम लोग अपडेट आपको दे देंगे एक अलग वीडियो में। तो दोस्तों, उसके लिए एकदम आप टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, हमें लगता है कि स्टार्टिंग 11 में गोलकीपिंग के पोजीशन की बात करें तो वहां पे गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा वहां पे कोई और बेटर फर्स्ट 11 में चांस बनता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो दोस्तों, हम गुरप्रीत सिंह संधू को ही पिक करना चाहेंगे फॉर फर्स्ट 11। फिर दोस्तों, सेंटर बैक की बात करें तो हम लोग 4-3-3 फॉर्मेशन प्रीफर करें क्योंकि उसी में अगर 4-3-3 फॉर्मेशन में इंडिया खेलती है तो हमें लगता है कि इंडिया अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों सेंटर बैक की बात करें तो अनवर अली और संदेश जिंगन अगर कॉम्पैक्ट खेले तो बहुत ही बढ़िया होगा। और सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ में आप प्रीतम कोटाल को देख सकते हैं। फिर आप लेफ्ट बैक की बात करें तो लेफ्ट बैक में आकाश मिश्रा और राइट बैक में राहुल भेके। इन चारों का कॉम्बिनेशन अगर टिक जाए दैन वीकेंड से इंडिया का फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। दोस्तों, लेफ्ट बैक की पोजीशन में आप सुभाषिश बोस को भी देख सकते हैं। फिर आप मेहताब सिंह और प्रीतम कोटाल को भी स्विच किया जा सकता है इन सेकेंड हाफ। तो दोस्तों, अभी मिडफील्ड की बात करते हैं। मिडफील्ड की बात करें तो हमारे जो कोच हैं इगोर साहब, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हैं उनके पास। बट हम पिक करने वाले हैं जैक्सन सिंह जो कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में अगर खेलते हैं तो बहुत ही सही रहेगा। और उनके लेफ्ट साइड में आगे की तरफ खेल सकते हैं अनिरुद्ध थापा एलोंग विथ पार्टनर अपुइया। अब दोस्तों, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा है कि मिडफील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप रॉलिन बोर्जेस को देख सकते हैं, फिर आप साहल अब्दुल समद को देख सकते हैं, फिर आप सुरेश सिंह वांगजाम को देख सकते हैं, फिर रोहित कुमार तो है ही, उनके अलावा बहुत सारे मतलब वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हैं। लिसन कुलासो भी कभी कभार मिडफील्ड में खेल सकते हैं, फिर आपका उदंता सिंह भी कभी कभार राइट मिडफील्डर या फिर राइट विंग के तरफ भी आगे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर इगोर साहब चाहे तो ही कैन ट्राई हिज बेस्ट। अब दोस्तों, जो हमने मिडफील्ड के तीन ट्रायो को जो हमने पिक किया है वो है अनिरुद्ध थापा, जैक्सन सिंह और अपुइया। अब दोस्तों, हमारे फॉरवर्ड्स लाइन की बात करें, फॉरवर्ड्स के चलते हुए फिलहाल हमारे नेशनल टीम में सुनील छेत्री, रहीम अली और ईशान पंडिता मौजूद हैं। और तो और दोस्तों, फॉरवर्ड्स के चलते हुए मुझे लगता है कि सुनील छेत्री एज यूजुअल सुनील छेत्री जी ही स्टार्ट करने वाले हैं। उनके साथ हमें लगता है कि लेफ्ट फ्लैंक पर आशिक कुरियन को खिलाया जा सकता है और राइट फ्लैंक पर आप छांगडे को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पूरा लाइनअप हो गया गुरप्रीत सिंह संधू एज गोलकीपिंग पोजीशन, फिर आकाश मिश्रा एज लेफ्ट बैक, फिर अनवर अली एज सेंट्रल डिफेंडर उनके साथ संदेश झिंगन की जोड़ी में, फिर राइट बैक की पोजीशन पे राहुल भेके, फिर जैक्सन सिंह एज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, फिर अनिरुद्ध थापा एज सेंट्रल मिडफील्डर, फिर अलॉन्ग विथ अपुइया एज सेंट्रल मिडफील्डर। फिर उसके साथ लेफ्ट विंग पर हम देखना चाहेंगे आशिक कुरुनियन जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ वाले खिलाड़ी हैं, फिर उनके साथ छांगटे जो कि दमदार प्रदर्शन दिखा चुके हैं इस हीरो इंडियन सुपर लीग में, उनके साथ रहेंगे हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ और लाइनअप होना चाहिए प्रोबेबल लाइनअप, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे सकें। और दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। इंडियन फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। जय हिंद।